नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है डेली आपकी 8 बजे शाम को क्लास होती है, तो उसी तरह आज भी आपकी क्लास होने जा रही है। टाइम हो चुका है, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। आज आपके कल उस दिन आपके 25 क्वेश्चन करा दिए गए थे, आज 25 से आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। ये जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, सभी क्लास टाइम पर लेनी है। और कोशिश करें कि लाइव क्लास लिया करें, डेली 8 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तभी आप लोग लाइव क्लास लिया करें। चलिए तो आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, और उम्मीद है आप लोगों ने जो हमने उस दिन कराए थे, ये तो आप लोग के हो गए थे क्वेश्चन जो हमने उस दिन कराए थे, वो आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे। जिसने तैयार नहीं किए हैं वो भी साथ के साथ तैयार करता चले, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलिका क्या है? सिलिका जो है वो क्या है? उपधातु है, धातु है, अधातु है, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग आंसर करिए इसका फटाफट। आप लोग आंसर कैसे करेंगे? जैसे 26 का बी सही है तो 26 का बी, 26 का डी सही है तो 26 का डी। ऐसे आप लोग लिख के जो लाइव चैट होता है उसी में आप लोग आंसर करेंगे इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका क्या है? सिलिका उपधातु है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, उपधातु ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? इनमें से सबसे अधिक कठोर कौन सा अपरूप होता है कार्बन का? ग्रेफाइट, हीरा, कोयला या काजल? तो सबसे कठोर कौन सा होता है? ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, इसका जो सबसे कठोर अपरूप होता है वो होता है हीरा। हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? इनमें से कौन सी धातु है जो भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या जिंक? तो कौन सी धातु है वो? सिल्वर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? ये मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। सभी लोग आंसर करिए इसका। इसमें से कौन सी धातु है जिसको केरोसिन में, केरोसिन को मिट्टी का तेल बोलते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं? तो वो कौन सी धातु है? सोडियम। सोडियम को डुबा कर रखते हैं। ये क्यों डुबा कर रखते हैं? क्योंकि सोडियम जो केरोसिन होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, केरोसिन ऑयल जो होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं। और ये जो सोडियम होता है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ही जलने लगता है। सोडियम एक ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जलने लगती है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो वायु में जलने लगती है? तो वो आपका हो जाएगा सोडियम। सोडियम एक आपकी ऐसी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है, नाइफ से इसको काट सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? इनमें से कौन सी अधातु है जो पानी में डुबा कर रखी जाती है? सल्फर, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस या आयोडीन? तो इसमें से जो श्वेत फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस या वाइट फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, जो आभूषण बनाए जाते हैं वो सोना होता है। 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 16 कैरेट का या 23 कैरेट का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 कैरेट का, 22 कैरेट का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। जो आभूषण बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट का सोना होता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? जल के साथ इनमें से कौन सी धातु है जो अभिक्रिया करती है? सोना, पोटेशियम, सिल्वर या लेड? तो जो जल के साथ अभिक्रिया करती है वो है पोटेशियम। पोटेशियम बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? कौन सा अधातु चमकीला होता है? कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा धातु चमकीला है? तो ब्रोमीन जो है वो चमकीला धातु है, ब्रोमीन। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? इनमें से कौन सा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम या पोटेशियम? आप सभी लोग आंसर करते चलिए इसका और क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को शेयर कर दें जिससे जो और भी साथी आपके क्लास में आना चाहें वो भी आ जाएं, ताकि वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना सिलेक्शन ले सकें। इनमें से कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो इनमें से जो कैल्शियम है, कैल्शियम को अगर आप जल में डालेंगे तो वो तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 3%, 4%, 2%? तो कितना प्रतिशत कार्बन होता है? यहाँ पे बी लिखा है तो यहाँ पे 8% कर लीजिए आप लोग, बी की जगह 8 कर लीजिए। तो इस्पात में कितना परसेंट कार्बन होता है? इस्पात में आपका 2% कार्बन होता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ता के अयस्क हैं, जस्ता के अयस्क हैं जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड या शिनाबार? जस्ता को जिंक बोलते हैं, तो इसका अयस्क कौन सा है? जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन अधातु विद्युत का स्वचालक है? इनमें से कौन सी अधातु है जो विद्युत का स्वचालक है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? ग्रेफाइट, कॉपर। इसमें अधातु पूछा है, ध्यान देने वाली बात है। अधातु या नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? तो ये कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ये नॉन मेटल है, कार्बन का अयस्क है ये भी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन विजाती यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर? थ्योरी क्लास में ये सब क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप लोग थ्योरी क्लासेस भी उम्मीद है साथ के साथ कंप्लीट करते जाओगे। कुछ लोगों ने तो पहले ही कंप्लीट कर ली होगी, मैंने दिसंबर में भी आप लोगों को बताया था, उसी समय कुछ लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया वो उनसे भी हम कहते हैं कि साथ के साथ कंप्लीट करते चलिए। और इस पर जो पहले से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है वो भी आप लोग क्वेश्चन को भी देखते चलिए। वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपकी यहाँ पर भी कराई जा रही है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी क्लास तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। थ्योरी क्लास आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग जाके थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक दोनों है या अन्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करिए इसका। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्या है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, दानेदार जस्ता एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? सभी लोग आंसर करते चलिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनॉइक अम्ल, टर्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है? टर्टरिक एसिड होता है, टर्टरिक एसिड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ये तो सब लोगों को पता होगा, इसका सब लोगों का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। सभी लोग आंसर करिए इसका। उदासीन या न्यूट्रल पीएच कितना होता है? तो इसका होता है 7। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षोपसी, छोसी यहाँ पे लिखा है, ऊष्माशोषी होगा यहाँ पे, ऊष्माशोषी। मिस प्रिंटिंग हो जाती है थोड़ी, उससे आप लोग वो हम सही करा देते हैं। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन या उभयगामी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कापर चूड़ को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कापर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? काली, श्वेत, पीली या भूरी? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसका आंसर लाइव चैट में ही करेंगे, जो नीचे लाइव चैट का ऑप्शन होता है उसी में आप लोग इसका आंसर करिए। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इनमें से ऑक्सीकरण नहीं है। दहन, अपक्षेपण, भोजन का पचना या श्वसन? तो ऑक्सीकरण क्या नहीं है? अपक्षेपण। बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, ब्रंजक चूड़, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रंजक चूड़, ब्रंजक चूड़। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षारक, क्षार, संक्षारण या क्षरण? तो ये क्या कहलाते हैं? क्षार। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। क्या है वो? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या अमोनिया है? तो वो कौन सी है? सब लोगों को पता होगा, इसका आंसर है हाइड्रोजन है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच, 14 से कम। तो जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से जो लवण बनता है उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, 7 से कम। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए तो आज के आपके क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आगे के ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ये आपको आगे की क्लास में कराए जाएंगे। आज उम्मीद है आप सभी लोगों को आज के सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग इसके साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि थ्योरी अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो केवल क्वेश्चन से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए आप लोगों को थ्योरी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन केवल इसलिए कराए जाते हैं कि आपको पता चले कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों की कितनी तैयारी है, इससे आप लोगों को ये पता चलता है। आप लोग जब आंसर देते हैं, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आते हैं तो सब आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों की कितनी तैयारी है। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाते हैं, और काफ़ी ये जो क्वेश्चन कराए जाते हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं और ये आगे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसलिए आप लोगों को ये तो एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। ये तो डेली शाम को 8 बजे क्लास चलती है, तो डेली शाम को आपको टाइम पे क्लास में आना है, और क्लास को और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए करिए, जिससे वो भी सिलेक्शन ले सकें अच्छी यूनिवर्सिटी में। चलिए तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।